तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कैसे कर सकते हैं, और जिन लोग को मालूम नहीं कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि रीस्टोर करने से क्या होता है। तो गाइज जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि जिन लोग को रीस्टोर के बारे में मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है, जो पार्टिकुलरली जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, विंडोज 10 यूज कर रहे हो या विंडोज 11 यूज कर रहे हो, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो और आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो, तो रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो एक दो दिन पीछे चला जाएगा। मैंने रीस्टोर करने के दौरान आप वहाँ पे जो भी डेट और टाइम को आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। जैसे से आप फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप समझिएगा, जैसे मान के चलिए कि आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आया है और वो आज आया है, टुडे आया है, और येस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं था। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप अपने यहाँ पे सिस्टम को रीस्टोर कर दोगे, तो रीस्टोर करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो एक दो दिन पीछे चला जाएगा, और एक दो दिन पीछे जो आपका ये प्रॉब्लम था आपके सिस्टम में, जिस भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉब्लम एक दो दिन पीछे नहीं था, मैंने येस्टरडे को वो प्रॉब्लम नहीं था, वो प्रॉब्लम आज आया था। तो येस्टरडे में आपका जो सिस्टम है शिफ्ट होगा, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से ये होता है आपका, और रीस्टोर आप कैसे करोगे जैसे मैं आपको बताता हूँ। और गाइज एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत सारे प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशंस रिलेटेड मैं वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग भी मैं वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। रीस्टोर करने के लिए आपको अपने सिस्टम के स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल शो होगा, तो यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल पैनल को सबसे पहले तो ओपन कर लेना है। अगर इनकेस अगर आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे इस तरह कुछ इंटरफेस शो हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको करना ये है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और लार्ज आइकन्स कर लेने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा कंट्रोल पैनल का, तो यहाँ पे आपको रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। रिकवरी वाले ऑप्शन में आने के बाद और आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे ओपन सिस्टम रीस्टोर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रीस्टोर का जो इंटरफेस है यहाँ पे शो हो चुका है, तो आपको अब करना क्या है, जैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आपके सामने रीस्टोर का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होने के लिए रेडी है। जैसे अगर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो अगर इन केस अगर आपके सामने यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है रीस्टोर करने के दौरान, रेड मार्क यहाँ पे शो हो रहा है, रेड क्रॉस अगर आपके यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे आप अपने सिस्टम को रीस्टोर नहीं कर पा रहे हो, तो इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग भी मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे दे दिया हूँ, तो आप उस प्रॉब्लम को उस वीडियो को वॉच करके आप देख सकते हो। मैंने आई बटन पे दे दिया हूँ, तो आप उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच करके आप रीस्टोर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपका आ रहा है उस एरर को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे अभी फिलहाल तो मेरा रीस्टोर का कुछ इस तरह का इंटरफेस हो रहा है, अगर आपका भी इस तरह कुछ इंटरफेस हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसे नेक्स्ट करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा वो डेट यहाँ पे शो हो रहा है, जो भी मैं यहाँ पे डेट में शिफ्ट करना चाहता हूँ वो यहाँ पे डेट शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा दो डेट यहाँ पे शो हो रहा है, वन और टू, टू डेट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगर इनकेस अगर आपके यहाँ पे थ्री या फोर फाइव और भी डेट अगर आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको आज के डेट के नियरली आपको उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है, मैंने आज के डेट के नियरली जो भी डेट है आपका यस्टरडे का या उससे पहले का, तो आपको उस डेट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे इस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इसे फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं बता दूं कि रीस्टोर होने में किन्हीं किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, और किन्हीं किन्हीं लोगों का 1 आवर 2 आवर 3 आवर का भी टाइम लग जाता है, वो आपके सिस्टम के डेटा पर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिस्टम का आपके सिस्टम का रीस्टोर ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है रीस्टोर का, वो
आपके डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आपको लगता है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे टाइम लगे 1 आवर 2 आवर, ठीक है, तो आपको जरा वेट करना है, पेशेंस रखना है, लेकिन आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रिस्टोर कर लेना है। और रिस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम है आपके विंडोज़ में या किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और गाइज, अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।